स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. बच्चे, हमारे एनुअल एग्जामिनेशन में एवरी डे विदाउट फेल आपको रिमाइंडर देती हूँ कि वी हैव गॉट आवर एनुअल एग्जामिनेशंस नेक्स्ट मंथ और द बाय द एंड ऑफ दिस मंथ. द शेड्यूल इज नॉट येट अराइव्ड. एज सून एज द शेड्यूल कम्स, आई विल गिव यू द शेड्यूल. यू विल बी गेटिंग द शेड्यूल थ्रू मैसेजेस एंड व्हाट्सएप एटसेट्रा. बट स्टूडेंट्स, आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आपके कोर्सेस कंप्लीट होने चाहिए, आपकी कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए. ट्राई टू कंप्लीट योर वर्क, कंप्लीट वर्क कंप्लीट करके रखिए ताकि आपको जब एग्जामिनेशन की बारी आए तो रिवीजन आप जो कर रहे हैं वो हमारा प्रॉपरली ट्रैक वे में चले, है ना. सो ट्राई टू बी विद द टीचर्स, ट्राई टू बी विद द टाइम एंड द क्लास. ओके, टुडे सिंस आई डोंट हैव द बुक विद मी राइट नाउ, आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन एंड अलॉन्ग विद दैट आई विल बी आस्किंग यू द क्वेश्चंस. वी विल बी डूइंग द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ लेसन 8 एंड 9. हमने कल ही कहा था कि हम लेसन 8 और 9 का रिवीजन करेंगे. तो आई होप एवरीबॉडी इज प्रिपेयर्ड फॉर लेसन 8 एंड 9. सानवी एंड शिवानी ने हाथ उठाया है. लेट मी आस्क इफ दे वांट टू आस्क समथिंग. अनम्यूट योरसेल्फ सानवी. व्हाट डू यू वांट टू आस्क? सानवी अनम्यूट कर, बोलो. यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम. मैम, ये हमारा सिलेबस कब आएगा? सिलेबस तो आपको मिला हुआ है, तो शुरू में मिला है बेटा. सिलेबस आपके ग्रुप में शेयर्ड हुआ है जून जुलाई में. आप कहाँ हो? वे आर यू? आप शेड्यूल बोल रहे हैं. यू आर आस्किंग अबाउट द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, नॉट द सिलेबस, है ना? यस मैम, यस मैम, सॉरी मैम. एनीवेज, एग्जामिनेशन के शेड्यूल अभी आए नहीं है बेटा. जैसे ही आएंगे आपको फ्लैश कर दिए जाएंगे, है ना. अभी तक हमारे पास शेड्यूल नहीं है, बट हमें ये पता है it will begin at in the first week of March or the last week of February, hai na. So just wait, hame mil jayega. Shivani Singh ne bhi haath uthaya hai. Shivani, bata de beta, kya problem hai? Ma'am, chapter 8 ke question number e ke 3 mein problem hai. E ke 3 mein problem hai. Kya hai question, padho pehle. State two way to do rain water harvesting. रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कैसे कर सकते हैं? टू वेज. हमने कल ये क्वेश्चन किया था आपसे. टू वेज टू डू रेन वाटर हार्वेस्टिंग. कैसे करेंगे? रेन वाटर की हार्वेस्टिंग करनी है तो रेन वाटर को हम लोग कलेक्ट करते हैं. टू वेज बाय विच वी कैन डू रेन वाटर हार्वेस्टिंग. पहला है, वी कलेक्ट द रेन वाटर अंडरग्राउंड. जमीन के नीचे बड़ा टैंक बनाते हैं, उसमें पानी को कलेक्ट किया जाता है, जहां से ये पानी कैन सीप इन टू द ग्राउंड अंडरग्राउंड एंड कैन इंक्रीज द लेवल ऑफ वाटर, ग्राउंड वाटर. दूसरा, रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड ओवरहेड टैंक. छत के ऊपर टैंक बना के उसमें इसको कलेक्ट किया जा सकता है, जहां से इसको डेली नीड्स के लिए यूज किया जा सके. डेली नीड्स इन द सेंस वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, वॉशिंग, क्लीनिंग ऑफ हाउसेस, घर की पोछने में, या फिर कार वॉश करने में वी कैन यूज इट. तो ये है हमारा रेन वाटर हार्वेस्ट. ओके, सत्यम झा, सत्यम झा ने भी हाथ उठाया. सत्यम बोल बेटा, बोलिए. सत्यम झा, सॉरी, बोलो. सत्यम झा, अनम्यूट करो, बोलो. मैम, मुझे लेसन लाइन में ई का 4 में प्रॉब्लम है. व्हाई शुड वी नॉट अलाउड वाटर टू स्टैंड अराउंड आवर हाउस? ओके, Why should we not allow water to stagnate around our house? ये सारे पढ़ाए हुए लेसन है, पता नहीं क्यों आपको प्रॉब्लम आ रहा है. एनीवेज, मैं आपको क्लियर करती हूँ. Why should we not allow water to stagnate around our house? First, you must know the meaning of the sentence, what this question is all about. The question is, why should we not allow water to stagnate? Stagnate मतलब रुकना. हमें घर के चारों तरफ पानी को रुकने क्यों नहीं देना चाहिए? तो क्यों नहीं देना चाहिए, फिर ये बता दीजिए. पानी अगर कहीं गड्ढे में रुका पड़ा रहेगा तो व्हाट विल हैपन? सानवी, आप अनम्यूटेड है, बोलो. सानवी, तुमको पता है? यस मैम, यस मैम, बोलो. मैम, बिकॉज मॉस्किटोज ब्रीड ऑन द वाटर. ओके, इफ वी लीव द वाटर, लेट इट द वाटर बी स्टैग्नेंट अराउंड आवर हाउस, इट विल बिकम अ ब्रीडिंग प्लेस फॉर मॉस्किटोज. तो भाई मॉस्किटोज से हमें क्या होना जाना? होगा तो होगा. क्यों हम उसको नहीं बनाते? क्या करेगा मॉस्किटो?
What will the mosquito do? Ma'am, I want to say. हाँ, तुम ही जवाब दो, because सत्यम को पता नहीं है. It causes dengue, malaria, and diarrhea. सत्यम जा, अब मुझे ये बताओ, डायरिया तो नहीं होता. सत्यम जा, मुझे बता, समझ में आया? शांति ने कुछ बताया? Yes, ma'am. ओ, इसका मतलब फ्रेंड का बताया हुआ समझ में आया, मैम का बताया हुआ समझ में नहीं आया. तो आप जान के रखिए, द वॉटर इज नॉट ब्रीडिंग करता है. यस, राइट आंसर. द वॉटर इज नॉट अलाउड टू रिमेन स्टैग्नेट अराउंड आवर हाउस बिकॉज इट बिकम्स अ ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मस्कीटोज. और ये मस्कीटोज क्या करेंगे? दे कैन कॉज डिजीजेस. हर मस्कीटो मलेरिया नहीं करता बेटा, बट देयर इज अ स्पेसिफिक मस्कीटो विच causes malaria, that is Aedes anopheles, female anopheles, whereas Aedes mosquito causes dengue. Chalo, ab isko main question agar har ki sunne lagi na, to mera class ka revision nahi ho payega. Chalo, Anidha Pradeshini, mein hath raha hai, aur yaar, bolo Anidha, kya bolna hai? Ma'am, wo answer dene ke liye hum hand raise kiye the. Okay, mute yourself, lower your hands. Utsav Rathod, तुमने भी आंसर देने के लिए हाथ उठाया था? No, ma'am. I want to solve two problems. You want to solve two problems, or you have two problems to solve? Ma'am, मैं तो आंसर करना चाहता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम भी सॉल्व करना चाहता हूँ. बोलो. मैम, अगर अंडरग्राउंड वाटर अगर हम पिएंगे तो क्या वो गंदा होगा? नहीं, नॉट नेसेसरी. अंडरग्राउंड वाटर ही हम लेते हैं, जैसे कि वेल में जो वाटर है, दैट इज अंडरग्राउंड वाटर. पिएंगे इट नॉट एज सच, इट कैन बी पोर्टेबल इफ इट इज डर्ट फ्री. बट हमारा वेल क्या होता है? खुला होता है ना? अगर इस कवर्ड है तो हम यूज कर सकते हैं, बट दैट ऑल्सो अभी के समय में जितने डर्ट है ना, हम कहते हैं कि दैट शुड बी फिल्टर्ड. क्योंकि हमारा मेन पोर्टेबल वाटर बनता कब है? व्हेन इट डज नॉट हैव अ जर्म्स, व्हेन इट डज नॉट हैव डस्ट और डर्ट. तो दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो यू कैन यूज पोर्टेबल वाटर, ग्राउंड वाटर एज पोर्टेबल वाटर. हम डीप बोरिंग करते हैं ना आपके घर में, जो पानी अपार्टमेंट्स में या कहीं भी डीप बोरिंग के थ्रू जो ऊपर चढ़ता है, दैट इज ग्राउंड वाटर ओनली ना. हम तो ग्राउंड वाटर ही यूज करते हैं, तो ग्राउंड वाटर को फिल्टर कर लेते हैं ताकि उसमें कोई गंदगी ना रहे. और जैसे कि रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, बट वी डू नॉट टेक रेन वाटर डायरेक्टली. पानी में रख के, हम ग्लास में रख के नहीं पी सकते, पीते नहीं, बिकॉज ऑन द वे टू अर्थ जब वो ऊपर से गिरता है, ऑन द वे टू अर्थ इट गेट्स इन कॉन्टैक्ट विद डस्ट, डर्ट, सो स्मोक एक्सेट्रा. जब ये पानी गिरता है ऑन द वे टू अर्थ, ये गंदा होता है. बट जब पानी बनता है, इट्स अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. रेन वाटर इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. लेकिन ऑन द वे टू अर्थ जब वो अर्थ पे पहुंचता है, तब तक ये गंदा हो चुका होता है. इसीलिए रेन वाटर को लोग प्योरेस्ट होने के बावजूद दे कैन नॉट टेक इट. इट इज ऑन द वे टू अर्थ, इट गेट्स कनेक्टेड विद डस्ट, डर्ट, जर्म्स, है ना? तो ग्राउंड वाटर इज समथिंग लाइक दैट ओनली. ग्राउंड वाटर जो जमीन के नीचे है, वो सोचो हमारे जो नेचुरल फिल्टर्स होते हैं उसमें यही होते हैं, पेबल्स होते हैं, सैंड होते हैं, ग्रेवल्स होते हैं. तो हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसके लेवल्स ऐसे ही होते हैं. पहले आपको मिट्टी आएगी, फिर बालू बालू आता है, देन पथरीला आता है, एंड देन द वाटर लेवल. ये है तो सेम लेवल में ये जब चढ़ता है पानी ऊपर, तो हमारा पानी क्या कहें उसको, प्योरिटी रहता है. बट इट कैन कंटेन डस्ट, इट कैन कंटेन जर्म्स ऑन द वे टू इट, है ना? तो इट कैन बी टेकन, पोर्टेबल तो नहीं कह सकते, बट लोग लेते ही है, उसको छान के ले ले, यू कैन यूज इट. एनी मोर प्रॉब्लम विद सब? I have one with exam. With exam, हाँ बोल, जल्दी बोलो. Now we'll start our class. Question answers, बोलो. बोल. Ma'am, gap भी छोड़ेंगे आप? Ma'am, gaps भी आएंगे? Gaps. बेटा schedule हमारे नहीं है हमारे पास अभी. We don't have the schedule of examination right now. Annual examination के schedule हमारे पास नहीं है. So I don't have any idea कि क्या gaps होंगे, क्या नहीं होंगे. आपके half yearly exam में examination आपने दिया है. आपको गैप मिला है? You there in that half yearly examination? Anidhya was there. Anidhya gap मिला था ना?
और एग्जाम के बीच में होता ही होता है, यू गेट गैप। यस मैम, इट वाज। ओके चलो, तो सो वी हैव सॉल्वड मेनी ऑफ द प्रॉब्लम्स टुडे। आज हम लोगों ने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। नाउ स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू द रिवीजन ऑफ लेसन 8 एंड 9। आई डोंट हैव द बुक। हु इज टॉकिंग? सानवी राज, म्यूट करो अपना। सानवी, म्यूट योरसेल्फ। यस मैम। यस मैम, म्यूट करो। अनिधिया, म्यूट करो। ओके मैम। बॉयज एंड गर्ल्स, वी विल बी डूइंग लेसन 8 एंड 9, है ना? आज हम लोग 8 एंड 9 रिवीजन करेंगे। आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन विद यू। आप कोशिश करेंगे इस पे कोई छिड़कानी ना करें, है ना? जिनके भी अनम्यूटेड है वो थोड़ा ध्यान रखेंगे कि अपने इसको, जिनके भी अनम्यूटेड है, मैं आई कैन नॉट सी हु आर अनम्यूटेड, तो वो लोग अपने आप को म्यूट कर लेंगे। ओके, लेसन 8 एंड 9। सानवी राज, आपने म्यूट नहीं किया अभी तक बेटा, म्यूट करो अपने आपको, आपकी तरफ से आवाज आ रही है। लेसन 8, 9, 10 ये हमारे कंटिन्यूअस लेसन पे वाटर से रिलेटेड है ना? 8, 9, 10 हमारे वाटर रिलेटेड चैप्टर्स थे, तो हम लोग इसका रिवीजन इसलिए एक साथ करने चाह रहे थे ताकि इजी होगा हम लोग के लिए रिवीजन करना। मीनवाइल किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट किसी लेसन में हो तो वो लिख के रखिएगा, कल की क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। दिस इज लेसन 9, ओके 8। क्षितिज राज 4C, आप अगर इसको बंद नहीं करेंगे, स्टॉप डूइंग ऑल दिस थिंग्स, एनोटेशंस, स्क्रीन पे तो आपके हाथ जाने ही नहीं चाहिए, आपके मोबाइल या जो भी लैपटॉप से है, ध्यान रखिए कि आपके स्क्रीन पे हाथ नहीं जाने चाहिए, बिकॉज यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग। आपसे मैंने कुछ मोबाइल पे करने के लिए नहीं कहा, जस्ट कीप योर मोबाइल स्टैग्नेंट, कहीं एक जगह पे खड़ा कर दीजिए उसे, एंड देन यू आंसर द क्वेश्चन आंसर्स। ओके, सी यू विल रेज योर हैंड एंड आई विल आस्क द क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेट द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द अर्थ। एक हाथ उठाए, दो हाथ, तीन, चार, पांच, अदिति सिंह, उत्सव राठौर, उज्ज्वल, छानवी राज, ओनली 7 हैंड्स, और 8, 9, 10, वेरी गुड। ओके, हु आर दे? लेट मी सी, अदिति, आर्या, आराध्या, फोरी, नहीं हाथ नहीं उठाया, रोनित रंजन ने हाथ रहा है, शिवानी सिंह ने हाथ रहा है। चलो रोनित बोलो, वॉट इज द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन रेनफॉल? अनम्यूट करो रोनित, रोनित रंजन अनम्यूट। The what effect is... of deforestation on rainfall, there is sharp decrease in rainfall. Due to the deforestation, there is a sharp decrease in the rainfall. Right answer? Mute karenge apne aapko. What are the two reasons that are leading to the clearing of forest? Two reasons that are leading to the clearing of forest. Ayush 4E, unmute yourself. Ayush 4E, unmute karo. Bolo. Two reasons that are necessary for that are leading. Sorry, two reasons. Please cope with me. I have got tough. Two reasons that are leading to the clearing of forest. What are the two reasons, Bachche? Bolo, Ayush, you are unmuted. Ayush, you are unmuted, beta. Jawab do. You're searching for the answer? No. It will not go like this. Shayan Abdullah, unmute karo. Shayan Abdullah, unmute karo. Shayan? Yes, ma'am. What are the two reasons that are leading to the clearing of forest? You ma'am, two. Bolo. First, for making buildings and factories. Second, some people are selling woods for earning money. Okay, for making factories, houses, and some person sell for the earning money also, sell wood. Yes, they either for making the furnitures, for making the doors, windows, or sometimes for making the beds as well. And they use it for that. They cut the trees, and these are the reasons for clearing of forest. Right answer. Shayan apne aap ko mute karega. Next question. What is one utility of a dam? Aditya Kumar Mishra, unmute yourself. State one utility of dam.
Yes, ma'am. बोलो. Dams are constructed to check flood. What is flood, beta? What is flood? Ma'am, flood means, ma'am, bar. Bar, yani bahut heavy flow of water, hai na? Yes, ma'am. Uncontrollable flow of water is called flood, hai na? To check this flood, yes, dams are being made. Achha, out of the question jaati hai thoda sa. डैम्स आर कंसिडर्ड टू चेक द फ्लड. इसी डैम से और क्या प्रोडक्शन होता है? इफ यू नो द आंसर ऑन स्क्रीन हाथ उठाओ. उज्जवल ने हाथ उठा लिया. इसी डैम्स का और एक और यूटिलिटी है. दे प्रोडक्ट प्रोड्यूस वॉट? उज्जवल ने हाथ उठाया है. उत्सव ने हाथ उठाया है. उज्जवल को मैंने अनम्यूट किया. बोलो. बोलो मैम. दे आल्सो प्रिजर्व लीटर ऑफ वाटर. व्हाट इज इट मैम? इलेक्ट्रिसिटी. वेरी गुड. या एब्सोल्युटली राइट. यस, दे हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एंड दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय वाटर इज कॉल्ड. उज्जवल, एम आई ऑडिबल? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. वेरी गुड, एक्सीलेंट. यस मैम, दिस इज वन ऑफ द यूटिलिटी ऑफ डैम ऑल्सो. यस, ये है कि डैम्स आर यूज्ड constructed to check flood. They are used for production of electricity. Utsav Rata is doing like this. Mujhe nahi diya chance, lekin sabko dena hai chance, hai na Utsav? Okay, next question. Three ways of conserving water at home. Bahut sare bachche shant baithe. I just want everybody to participate in the class. Three ways of conserving water at home. Batao. Adya Verma ne haath uthaya hai. Vanshika Sharma ne haath uthaya hai. Vanshika, jawab. Three ways of conserving water at home. Unmute karo beta. Vanshika, unmute kar. After using it, use mug and bucket instead of shower for bathing. Water the plants with mug and bucket instead of pipes. Okay, we can conserve water at our level. Hamare level pe water conservation kaise kaise kar sakte? We can conserve water by taking, instead of taking shower, bath with the shower, we can use bucket and mug. We can use bucket and mug for watering the plants instead of using the tap. We can, instead of throwing the water into the running basin, we can use the water used for washing vegetables into the watering of plants. Okay, this was the right answer. Next. Next aate hain hum log. How should the field be irrigated? To reduce the wastage of water, how should Vanshika apne aap ko mute karegi beta? How should we the field be irrigated to reduce wastage of water? Wastage of water ko reduce karne ke liye kaisa irrigation hona chahiye? Itisha, unmute karo. Itisha, unmute yourself. Bolo. How should the field be irrigated to reduce the wastage of water? Itisha, if you don't remember, you say it's, I don't remember. But don't waste the time like this. Hena? If you don't remember, you can say that we don't remember. Either you don't remember, you say, or don't waste the time like this so that time and again I have to. Because maine aapko pehle bataya na ki hamare isi 40 minutes mein hi class ko khatam karni hai. Aur isme agar aap itna time lenge to mushkil hoga. Okay, Grishan, Molly, do you want to give this answer? Any three, how should the field be irrigated? To reduce the wastage of water. Girishan, Molly, unmute karo apne aap. Girishan, can you hear me? Okay, Girishan, Molly ko to maine unmute kiya hai. I don't know where has it. Okay, I can see many of the participants raising their hands. Let me give the opportunity to somebody else also. Chuki Girishan apne aap ko unmute nahi kiya. So, Suyash Kumar Singh, chalo, answer this question. Answer this question, beta. Suyash, unmute karo. Suyash, unmute karenge. Suyash, let me unmute.